विधानसभा इलेक्शन को लेकर इन दिनों हरियाणा में चुनावी माहौल काफी गर्म है। इसी क्रम में फरीदाबाद की हॉट सीट बन चुकी प्रिथला विधानसभा से एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार गिरिराज जटोला ने रविवार को कांग्रेस को समर्थन देते हुए चुनाव से हटने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि उन्होंने प्रिथला के गदपुरी में आयोजित जनसभा के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार रघुवीर सिंह तेवतिया को अपना समर्थन दिया है। इस जनसभा में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंचे थे। गिरिराज जटोला ने हुड्डा के सामने ही रघुवीर सिंह तेवतिया को समर्थन देने और चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की। इस दौरान जटोला ने जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाया कि चुनाव में उनकी किसी ने कोई मदद नहीं की। दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं में से किसी ने भी प्रिथला में एक कार्यक्रम तक नहीं रखा। इसी से आहत होकर वो चुनाव नहीं लड़ने का फैसला ले रहे हैं और अपना समर्थन कांग्रेस प्रत्याशी रघुवीर तेवतिया को दे रहे हैं। कहीं से उन्हें पता लग गया कि मैं हाथ हूँ और गांव में मेरी पंचायत चल रही थी, तो पता लगने के बाद वो पंचायत में आ गए। जैसे गांव समाज ने जो भी फैसला लिया मेरे गांव ने, उस फैसले से मैं भी अलग नहीं जा सकता। मेरे गांव के लोगों ने कहा रघुवीर तेवतिया को आप समर्थन करो, तो मेरे गांव की पंचायत रघुवीर तेवतिया को समर्थन किया और मैं पंचायत से और समाज से बाहर जाने का काम तो मैं भी नहीं कर सकता। तो इसलिए जो भी है, जो समाज ने फैसला लिया, मैं उसका सम्मान करता। हाँ बिल्कुल, अरे पार्टी में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं, फिर मैं वही बात करूंगा। जैसे धर्मवीर परवाल है, एक सुशील अम्बेडकर है, अध्यक्ष बना फिर रहा है, और 5-7 और हैं काफी सारे जिन्होंने पार्टी को खराब करने का काम किया और मेरे बिल्कुल चुनाव में साथ नहीं दिया। उन्होंने हर वक्त पैसा चाहिए, मैं कहाँ तक लाऊं, मैं किसान का बेटा हूँ, ऐसे तो मेरी चमड़ी बिक जाएगी, मैं जमीन बेच कर चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं तो चुनाव मजबूती से लड़ना चाहता हूँ, लेकिन संगठन के साथ। अब मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, अब मेरे बस की चुनाव नहीं। कांग्रेस में शामिल होंगे ये तो समय बताएगा, मैं इसके बारे में कुछ नहीं। वहीं गिरिराज जटोला का समर्थन मिलने के बाद प्रिथला सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रघुवीर तेवतिया ने कहा, किस गांव की तरफ से मुझे पता चला कि जटोला चुनाव नहीं लड़ रहे। जब मैंने बात की तो जटोला ने बताया कि संगठन और पार्टी मदद नहीं कर रहे। उन्होंने आज मुझे जटोला गांव बुलाया गया और यहां से पूरे गांव की सहमति से अपना समर्थन मुझे दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे कांग्रेस पार्टी को और मजबूती मिलेगी। आज हमें मालूम हुआ था, भी गांव वालों ने कहा था, जो भाई हमारे गिरिराज सरपंच साहब चुनाव लड़ रहे थे वो अपने पार्टी की वजह से, दूसरी पार्टी के लोगों ने सहयोग नहीं कर रहे, इस वजह से उन्होंने मना कर दिया चुनाव लड़ने से। और फिर मैंने आके गांव से मदद मांगी है, पूरे गांव बस्ती से, क्योंकि ये पिथले का बड़ा गांव माना जाता है जटोला, और पिथले में मेरे सगे मामा हैं, मैं वहाँ को भांजा हूँ। जब ये बड़ा गांव है तो इनका भी भांजा देवता लगता हूँ, तो मैंने तो अपने मामा नानाओं से पूरी बस्ती से मदद मांगी है, और पूरी बस्ती ने, सरपंच साहब ने बस्ती के ऊपर छोड़ दिया, पूरी गांव वालों ने, गांव की सरदारों ने मुझे समर्थन दिया गांव का, और गांव के साथ वो हैं, उन्होंने मुझे समर्थन दिया। इतना लगता है इतना प्रभाव असर और जितना आपके पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, ये तो अच्छी बात है, ये तो बिल्कुल पड़ेगा। मजबूत साथी हैं, पहले भी काम करते रहे हैं पार्टियों के लिए और अब भी कर रहे थे, चुनाव भी लड़ रहे थे दमदारी से, तो हमारी जीत में तो और ज्यादा इजाफा होगा। बता दें कि गिरिराज जटोला जाट नेता हैं और उनके जटोला गांव में 2000 से ज्यादा वोटर हैं। जटोला पहले बीएसपी में थे, लेकिन अंदरूनी कलह के कारण उन्होंने बीएसपी छोड़ दी। इसके बाद 3 साल पहले वो आजाद समाज पार्टी में चले गए और इस चुनाव में चंद्रशेखर आजाद ने उन्हें प्रिथला से प्रत्याशी बनाया था। अब अचानक उनके इस बड़े फैसले के बाद जेजेपी एएसपी की क्या प्रतिक्रिया होगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।